पूनम अंबाला से, हरियाणा से। ये 26 इयर्स की स्टूडेंट है और मैं इसका पोस्ट आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये भी वही एज ग्रुप है। पूनम, आपका भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपका भी वही एज ग्रुप है बेटा कि अगर 26 साल की उम्र में आपने पर्यावरण, मिट्टी, वेस्ट, कॉम्पोस्ट, अगर इन सब का महत्व जान लिया है, सो मेरे पूरे दिल से आपको आशीर्वाद और शुभेच्छाएं हैं कि आप इस जर्नी को जारी रखिएगा। आपके एज ग्रुप की हमारे देश को, हमारे पर्यावरण को बहुत ज़रूरत है। आप लोग हैं जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग हैं जो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, आप लोग हैं जो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने अच्छे कार्यों को अपने इर्द गिर्द फैला सकते हैं। सो पूनम का मैं, एक दो मिनट दीजिएगा, मैं पूनम का पोस्ट आपके पढ़ के सुना रही हूँ। पोस्ट तो मैं ज़रूर करूँगी ही, किंतु आज मुझे लगा कि 26 साल की इस बच्ची का ये पोस्ट मुझे पढ़ना चाहिए। नमस्ते पूर्णिमा मैम, आई एम पूनम, 26 ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट फ्रॉम अंबाला, हरियाणा। इन 2019 आई बॉट माय फर्स्ट प्लांट। सर्चिंग अबाउट प्लांट्स आई गॉट टू नो अबाउट कॉम्पोस्टिंग। एज आई हैव एम्प्टी प्लॉट अराउंड माय हाउस, सो आई डग अ पिट एंड पुट माय किचन वेस्ट इनटू इट। बट as after rains water stagnates there for many months and it failed. Then I tried composting in matka, but I added lots of garden soil after each layer of kitchen waste as I wanted no smell and I wanted no worms. But the end product was more of soil and didn't look like compost as we saw in market or on YouTube videos. In mid-2020, during lockdown, I started watching your videos. In January 21, I got two small plastic drums and got dry leaves from water treatment plant near our home. This was my third try at composting, but the most satisfactory one till now. Since I'm using only dry leaves as dry matter, and leaves take time to decompose, but it is acting as a great mulch in my pots and I can see and feel the texture of my soil improving. Thank you, and thank you team Enri Soil and Soul for making us realize the value of our kitchen waste. Stay blessed, Poonam. Why am I reading your message today? Because दो तीन बार अलग अलग तरीके जो भी आपने यूट्यूब पे देखे, व्हाट्सएप पे पढ़े, लोगों के लेक्चर्स में सुने, वो करने के बाद, फेल होने के बाद आपने उन फेलियर से सीखा पूनम, जो मेरी फिलॉसफी है। वन फेलियर गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, सो यू लर्नड, यू डिड नॉट गिव अप एंड फाइनली यू सक्सीडेड। वी आर नो वन, आपकी ये खुद की मेहनत है, आपका ये खुद का जज्बा है कि आपको ये करना ही है। सो इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपको अवार्ड तो मिल ही रहा है, किंतु मेरी आपसे आशीर्वाद और आपसे विनती है कि आप अपने एज ग्रुप में अपने ये, देखिए सक्सेस इज नथिंग, देर इजंट अ सक्सेस स्टोरी, there are stories which come out of your learnings through your failure. So my dear Poonam, please write this your story as a lesson from your failures in composting and share it as much as possible. If you want us to share your story, please write your story in more detail to us and we will see how do we publish it with your own name and your credentials and your mehnat. Nothing of us, only the platform will be ours. So congratulations.